हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को सूट की स्टिचिंग करना बताऊंगी। तो देखिए, ये मेरा सूट का पीस है। यहाँ पे मैं सूट में नेक को पहले से काट चुकी हूँ। आप अपने हिसाब से अपने नेक को काट सकते हैं। इसके लिए मैंने एक स्ट्रिप को भी निकाल चुकी हूँ। स्ट्रिप की चौड़ाई 1 इंच है। अब हम लोग स्ट्रिप को अटैच करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे नेक के ऊपर हम लोग को स्ट्रिप को रखना है और यहाँ पे हम लोग को किनारे में सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे सूट का नेक का शेप हम लोग जैसा रखे हैं, ऐसा ही हम लोग को स्ट्रिप का भी शेप रखना है, तभी हम लोग का फिनिशिंग ज़्यादा अच्छा आता है। अब हम लोग यहाँ पे छोटा छोटा कट्स लगा लेंगे और इसको उल्टा तरफ हम लोग फोल्ड कर देंगे। यहाँ पे आप पहले आयरन भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आयरन नहीं करूँगी, डायरेक्ट मैं यहाँ पे स्टिच कर दूँगी। यहाँ पे भी हम लोग को किनारे में ही सिलाई लगाना है। तो देखिए, हम लोग का नेक का फिनिशिंग कितना अच्छा आया है। अब हम लोग ऐसा ही सेम दूसरे पार्ट को भी निकाल लेंगे। देखिए, यहाँ पे भी हम लोग को सूट को लेना है और इसके ऊपर हम लोग को स्ट्रिप को लेना है और यहाँ पे किनारी में हम लोग को सिलाई लगा देना है। तो देखिए, इसको भी हम लोग अब उल्टे तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पे भी हम लोग को किनारे में सिलाई लगा देना है। आप चाहे तो बुकरम से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बुकरम से नहीं करूँगी, डायरेक्ट मैं यहाँ पे पट्टी लेके ही करूँगी। अब एक पार्ट को हम लोग को दूसरे पार्ट में रखना है और दोनों का राइट साइड हम लोग को एक तरफ फेस करना है और यहाँ पे हम लोग को शोल्डर को अटैच कर लेना है। अब ऐसा ही सेम हम लोग दूसरे शोल्डर को भी ऐसा ही हम लोग को अटैच करना है। दोनों को राइट साइड को हम लोग को एक दूसरे की तरफ फेस करते हुए रखना है और शोल्डर को अटैच कर लेना है। तो देखिए, यहाँ पे शोल्डर अटैच कर लिया है। अब हम लोग यहाँ पे पट्टी को पहले एक फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे, उनके बाद हम लोग को यहाँ पे तुरपाई कर लेना है। अब हम लोग यहाँ पे स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे सूट का राइट साइड को हम लोग को ऊपर लेना है और स्लीव का राइट साइड को हम लोग को नीचे देना है और इसको इसके ऊपर रखना है और मिडिल से हम लोग को सिलाई लगा लेनी है। और अगर आप यहाँ पे स्लीव्स का वीडियो देखना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे पहले से ही बना चुकी हूँ, आप इसे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और यहाँ पर हम लोग मिडिल से सिलाई करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, एक तरफ हो गया है और हम लोग दूसरे तरफ भी ऐसा ही सेम तरीका से मिडिल से स्टार्ट करेंगे और इधर भी हम लोग को सिलाई लगा लेना है। तो देखिए, ये भी हम लोग का हो गया है। अब हम लोग स्लीव्स में फिटिंग का सिलाई लगा देंगे। आप अपना स्लीव्स का फिटिंग का सिलाई लगा सकते हैं।
अब हम लोग को बॉडी में भी फिटिंग का सिलाई लगाना है। आप लोग दूसरा स्लीव्स को भी ऐसा ही सेम तरीका से अटैच कर सकते हैं। मैं सिर्फ एक ही स्लीव्स को अटैच करके आप लोग को दिखाई हूँ। अब ऐसा ही सेम हम लोग दूसरी तरफ भी स्टिच कर लेंगे। मैं सूट की कटिंग की वीडियो को पहले से बना चुकी हूँ, आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके इसे देख सकते हैं। देखिए इधर भी हम लोग का हो गया है। अब हम लोग यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। इसको हम लोग को पहले इस तरह से रखना है, उनके बाद हम लोग यहाँ पे पहले इस तरह से एक तरफ फोल्ड करेंगे। पहले हम लोग को ऐसे एक फोल्ड करना है, उनके बाद हम लोग को दूसरा फोल्ड कर लेना है और यहाँ पे हम लोग सिलाई लगा देंगे। देखिए यहाँ पे हम लोग को इस तरह से सिलाई लगाना है और यहाँ किनारी में आके सुई को अंदर डालना है और इसको इस तरह से हम लोग को घुमा लेना है और यहाँ पे हम लोग को किनारी में सिलाई लगा देना है। अब हम लोग दूसरी तरफ भी लगाएंगे, तो दूसरी तरफ भी हम लोग को सेम इसी तरह से फोल्ड करना है। पहले हम लोग को एक फोल्ड इस तरह से करना है, उनका दूसरा फोल्ड हम लोग को इस तरह से करना है और ऐसा ही हम लोग जैसा इसमें सिलाई लगाए थे ऐसा ही हम लोग को सिलाई इधर भी लगा देना है। देखिए यहाँ पे किनारे में आने के बाद सुई को अंदर डालेंगे और इसे इस तरह से हम लोग को घुमा देना है और इधर भी हम लोग किनारे में सिलाई लगा लेंगे। और नीचे आने के बाद ऐसा ही हम लोग को सुई को अंदर डालते हुए इसको भी हम लोग को ऐसा ही सेम घुमा लेना है। देखिए इसे भी इधर हम लोग घुमा लेंगे और इधर भी हम लोग किनारे में सिलाई लगा देंगे। यहाँ पे भी ऐसा ही हम लोग को सुई को अंदर डालते हुए इधर भी घुमा लेना है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग फिनिश कर लिए हैं। ये हम लोग का राइट साइड है और इधर हम लोग का रॉन्ग साइड है। देखिए यहाँ पे फिनिशिंग कितना अच्छा आया है। अब ऐसा ही सेम हम लोग को दूसरे तरफ भी कर लेना है। मैं सिर्फ एक ही तरफ करके दिखाऊंगी। तो देखिए हम लोग दोनों तरफ ही कर लिए हैं। अब हम लोग नीचे में भी ऐसा ही फोल्ड करते हुए यहाँ पे भी हम लोग स्टिच कर लेंगे। देखिए इसको भी हम लोग को पहले एक फोल्ड करना है और इनके बाद हम लोग को दूसरा फोल्ड करना है। आप चाहे तो यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हैं। इसको भी हम लोग को किनारे में ही सिलाई लगाना है। तो देखिए यहाँ पे भी हम लोग का कंप्लीट हो गया है। आप नीचे में भी सिलाई लगा सकते हैं। तो देखिए मेरा सूट बनके तैयार हो गया है और ये स्लीव्स का वीडियो मैं पहले से ही बना चुकी हूँ। आप लोग को अगर देखना है तो इसे आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। और ये मेरा सूट बनके तैयार हो गया है। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही घंटे को भी दबा दीजिएगा ताकि हर नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पा सकें।